सबसे पहला चीज है विद रिगार्ड टू कैसे एक्सेज का प्रोडक्शन होता है बिकॉज हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जो हाई एटॉमिक नंबर रहे और साथ ही साथ उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी रहे वो इलेक्ट्रॉन जब वो शेल्स के थ्रू पेनेट्रेट करते हुए अंदर जा रहा है तब उस केस में ग्रेजुअली उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कमता है वो डिसलेरेट करता है इलेक्ट्रॉन को अगर हमने बी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया है तब उसका ये काइनेटिक एनर्जी हो तुम तो जब हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलट करते हो मतलब तुम्हारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा है तो इट कैन प्रोड्यूस एक्सप्रेस ऑफ अ लोअर वेव रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज इज टेक्निकली वहां पे बोला जाता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर क्योंकि हाई एटॉमिक नंबर के बदौलत हम हाइयर फ्रीक्वेंसी हाइयर एनर्जी एक्सप्रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे मैं हूं अनुरोधा सर आपका फिजिक्स फैकल्टी यहां पे और आज हम लोग एक शॉर्ट सेशन में एक्स रेज का क्विक रिविशन या अगर आपको नहीं पता है क्योंकि ये बोर्ड्स में अक्सर रहते नहीं है इसीलिए उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हुए जाने वाले हैं कुछ टू वर्ड्स ही एंड कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे इसको लेके तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहला चीज़ है विथ रिगार्ड्स टू तो कैसे एक्स रेज का प्रोडक्शन होता है

जैसे टंगस्टेन या मोलिब्डेनम ये जो प्लेट जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स आके जिस प्लेट को हिट करते हैं वो टंगस्टेन या मोलिब्डेनम का होता है बिकॉज हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जो हाई एटॉमिक नंबर रहे और साथ ही साथ उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी रहे तब जैसे ये होता है तब उसमें से वी सी द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज अब एक्सरेज जो होते हैं ये जो एक्सरेज निकलने ये समझना जरूरी है कि ये होते क्या मतलब अंदर में क्या हो रहा है ठीक है क्योंकि ये जो एक्सरेज निकलते हैं ये मेनली दो टाइप के निकलते हैं इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और एक को बोला जाता है कंटिन्यूस एक्सरेज ठीक है तो एक बार मैकेनिज्म को समझेंगे तब पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग टाइप के एक्सरेज क्यों निकलते हैं और किस बेसिस पे कहां पे क्या फ्रीक्वेंसीज क्या वेवलेंस होते हैं उनके तो चलो उस पर चलते हैं तो सबसे पहले ये जो एक्सरे प्रोडक्शन तब जब तब होता है जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जिनका एनर्जी बहुत हाई रहता है ओके okay? उन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को मैं जब उस उस मेटल uh, एटम पे वो हाई एटॉमिक नंबर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एटम पे मारता हूँ तब एक चीज़ होता है कि जो कंटिन्यूस एक्सरेज के टाइम वो इलेक्ट्रॉन जब अंदर पेनीट्रेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन जब वो शेल्स के थ्रू पेनीट्रेट करते हुए अंदर जा रहा है तब उस केस में ग्रेजुअली उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कमता है वो डिसलेरेट करता है और ये जो डिसलेट कर रहा है ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है वही एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज ये लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूस एक्सरेज कंटीन्यूअस एक्सरेज मतलब दे विल हैव उसका एक्सरेज तुम्हें लिटरली हर वेव लेंथ पर मिलता रहेगा जैसे हम लोग का स्पेक्ट्रल लाइन का जो जंप होता है वो स्पेसिफिक वेव पे ही मिलता है लेकिन एक्सरेज का वो नहीं है एक्सरे कंटिन्यूअस एक्सरे तुम्हें लिटरली हर वेव लेंथ पे तुम्हें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलेगा एक्सरे का दैट इज कंटिन्यूस एक्सरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली स्लो डाउन कर रहा है ऐसा नहीं कि वो कहीं पे जंप मार रहा है जंप मार के नीचे आ रहा है द इलेक्ट्रॉन दैट यू सेंड इन ग्रेजुअली अपना एनर्जी लूज कर रहा है और जो एनर्जी लूज कर रहा है उसी को ग्रेजुअली वो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता हुआ जा रहा है so, सो इनमें भी देर इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका एक्सरे निकल सकता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से कम के एक फ्रीक्वेंसी के एक्सरे जितनी मर्जी निकल सकते हैं लेकिन एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा और वो लिमिट कंट्रोल करता है द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ही तो एक्सरे के एनर्जी में जा रहा है सो दैट इज वाई अगर हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ये डिफाइन करता है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एक्सरे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एक्सरे शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन होगा जब वो हाफ एम बी स्क्वायर से आया और पूरा का पूरा उसका एनर्जी चला गया सो so इसीलिए हमारे पास एक लिमिट है जितना हाइयर एनर्जी इलेक्ट्रॉन में भेजूंगा उतना हाइयर एनर्जी एक्सरे निकलेगा उतना हाइयर फ्रीक्वेंसी मेरे को मिलेगा इवन अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लिमिट है तो मतलब वेवलेंथ का मिनिमम लिमिट है कि उससे कम वेवलेंथ आ नहीं सकता क्योंकि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो अगर फ्रीक्वेंसी का एक मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ का मिनिमम होगा और वो भी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड वेरी ईजीली ये सी बाई वी नॉट होगा माई बैट ए वी नॉट होगा जहां सी इज द स्पीड ऑफ लाइट ये कुछ नहीं है यहां पे भी हमने वही किया यहां पे भी हमें पता है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी नॉट इलेक्ट्रॉन को अगर हमने वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है तब उसका ये काइनेटिक एनर्जी होगी और बस हमने ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू मैक्स एच म्यू मैक्स मतलब सी बाय लैम्डा लैमडामिन सी बाय लैम्डा लैमडामिन वहीं से हमारा ये वाला रिलेशन आ गया ये है मिनिमम वेवलेंथ दैट यू कैन गेट फ्रॉम द कंटिन्यूस एक्सरीज अब कंटिन्यूस एक्सरेज को अगर देखते हैं तो देखो अकॉर्डिंगली ये वेवलेंथ वर्सेस कितने पोटेंशियल डिफरेंस से तुमने एक्सेलरेट किया वो दिया हुआ है ठीक है वो दिया हुआ है और उसके बेसिस पे देखो तुम जब हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हो मतलब तुम्हारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा है तो इट कैन प्रोड्यूस एक्सरेज ऑफ अ लोअर वेवलेंथ लोअर वेवलेंथ तक वो अपने एक्सरेज छोड़ सकता है मतलब हाइयर एनर्जी एक्सरेज छोड़ सकता है ये जहां पे वो ग्राफ कट करता है ना उसको बोला जाता है लैमडा कट ऑफ कट ऑफ वेव भी अक्सर बोला जाता है कि उससे कम वेवलेंथ नहीं निकल सकता एनर्जी ही नहीं है उतना वेवलेंथ उससे कम वेवलेंथ निकालने का सो दिस इज जनरली द ग्राफ ऑफ द कंटिन्यूस एक्सरेज कि तुम देखो कंटिन्यूअस हर वेवलेंथ पे वो लैमडा मिन के बाद से हर वेवलेंथ पे तुम्हें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलता ही रहेगा डिस्क्रीट नहीं है वो कंटिन्यूअस है लेकिन इस कंटिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरी स्पेक्ट्रम बैठता है कैसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्री स्पेक्ट्रम में क्या होता है इलेक्ट्रॉन तो चलो अपना एनर्जी लूज कर रहे लेकिन यह भी होता है कि कुछ एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके जो इनर मोस्ट शेल है जैसे तुम्हारा एटम हुआ न्यूक्लियस है उसके अराउंड के शेल है एल शेल है एम शेल है केमिस्ट्री में पड़ा हुआ है तो कभी कभी वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आके इस के शेल एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं आउटर शेल से नहीं इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और तब जब वो निकला हुआ वा इलेक्ट्रॉन वापस आता है यहां पे एनर्जी रिलीज करके वो एनर्जी तब के फॉर्म में फिर से निकलता है लेकिन अब ये कंटिन्यूस नहीं निकलेगा क्योंकि यहां पे लिटरली एक चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो ये एकदम उस स्पेक्ट्रल लाइन की तरह ही निकलेगा कि कोई कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे ही कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे ही वो अपना वेवलेंथ सॉरी किसफिक्स स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ही एक्सरेज रिलीज कर पाएगा क्योंकि अब की बार जो एनर्जी ड्रॉप है वो फिक्स्ड है वो कंटिन्यूसली ऐसा नहीं कि यहां से यहाँ आया पहली अगली बार, आया, अगली बार इतना आया अगली बार इतना आया ऐसा नहीं है जंप कर रहा है तो एकदम इतना ही अमाउंट जंप करना है एग्जैक्टली exactly उतना ही फ्रीक्वेंसी देना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है वो काफी हद तक स्पेक्ट्रल लाइन्स जैसे हो जाते हैं तो वहां पर डिपेंडिंग ऑन किस शेल से गया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग के अल्फा के बीटा के गामा ऐसे करते हैं आल्फा रेफर्स टू के शेल से के शेल के बेसिस पे तुम एल शेल पे गया है तो के अल्फा के शेल से शेल से तुम्हारा एम पे गया है तो के बीटा सो ऑन एंड सो फोर्थ उसका जब हम सुपरपोज करते हैं देखो ये है तुम्हारा कंटिन्यूस एक्स रेज वाला ग्राफ ये तुम्हारा कट ऑफ है उसके ऊपर तुम्हें बीच बीच में ऐसे पीक्स दिखेंगे ये हो गया तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक क्यारे एक्सरीज जहां पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी ग्रेजुअली लूज कर रहे थे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लेकिन इन सर्टेन एनर्जीज पे वो एक इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर दे रहा है इनर शेल से और फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है ये जंप मारते हुए आ रहा है वहां पे वहां पे वो पीक्स दे रहा है दैट एनर्जी कंटिन्यूस एक्सट्रीज के अलावा वहां पर वो एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ रहा है उतने उतने स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज उस स्पेसिफिक वेवलेंस दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रीज ये वाला ये वाला दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रीज अब विथ रिगार्ड्स टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है यह वाला चीज जानना इज नोन एज द लॉ वो बताता है कि द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज इज टेक्निकली वहां पे बोला जाता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ए जेड होता है लेकिन बिकॉज इनरमो शेल से हो रहा है और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो एट अ मोर रियलिस्टिक लेवल कुछ हद तक स्क्रीनिंग होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट तुमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा कैसे शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है तो इसीलिए मोस्टली एक्चुअली ऐसा होता है इट इज नॉट डिरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन इट इज ए जेड माइनस बी ये बी जो है दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आता है अब ये ए और बी वाले वैल्यूज क्या होते हैं ए और बी के वैल्यूज क्या होते हैं तो फॉर द के सीरीज अगर के शेल से जंप हो रहा है के अल्फा के बीटा के गामा वाला हो रहा है तब ए इज इक्वल टू रूट ओवर थ्री आर सी बाई फोर रूट ओवर थ्री आर सी बाई फोर होता है फर्स्ट केस आर यहां पे होगा कांस्टेंट, C होगा द स्पीड ऑफ लाइट और ये कुछ नहीं ये बस वन माइनस वन बाई फोर जैसे हम लोग रिडबर्क कॉन्स्टेंट में लैमडा करते हैं ना वन बाई लैमडा इज इक्वल टू आर इन टू रूट ओवर वन बाई अगर फर्स्ट हो रहा है 1, 1 क्या वहाँ by आएगा वहां पे थ्री बाई फोर आएगा सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्री बाई फोर आता है ठीक है सिमिलर सिमिलर इफेक्ट हो रहा है वहां पे इसीलिए वो थ्री बाई फोर का आता है राइट right? और बी का वैल्यू होता है स्क्रीनिंग का वैल्यू होता है फॉर द के सीरीज ओके अगर हम लोग एल सीरीज का देखें देखो जनरली तुम्हें के सीरीज रिलेटेड ही अगर पूछा जाए उन्हीं को रिलेटेड आएगा फॉर द एल सीरीज वो होता है फाइव बाई थर्टी सिक्स ये भी वहीं से आता है ये भी कहां से आता है ये भी आता है अगर तुम याद करोगे कि एल सीरीज मतलब सेकेंड शेल से जम राइट right? तो उसमें जब वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू अगर टू ले लिए यही से देखो कहां से आ रहा है by square minus by square. First, L का जो अल्फा सीरीज होगा मतलब सेकेंड शेल से थर्ड शेल में जम वाला तो वहीं पे आएगा ना नीचे वन बाई वन बाई फोर माइनस वन बाई नाइन वही तुम्हें देगा फाइव बाई थर्टी सिक्स ये जो कॉन्स्टेंट्स ए वाले वो वहीं से आते हैं फिर से रिडबर्ग्स आर और ये सी इज द स्पीड ऑफ लाइट लेकिन एल सीरीज के लिए स्क्रीनिंग का वैल्यू हो जाता है सेवन पॉइंट फोर अब ये जनरली पूछा जाता नहीं है उतना एल सीरीज मेनली के सीरीज में रहते हैं बट इफ यू वॉन्ट टू नो यू कैन क्योंकि अगर पूछ लिया तो तुम्हारे पास कंपिटेटिव एज रहेगा चलो दैट मेनली कवर्स आवर सेक्शन ऑफ एक्सरेज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑन एक्स रेज ताकि जस्ट ये कॉन्सेप्ट थोड़े से दिमाग में बैठ जाए मोस्टली इज लॉ फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज रूट ओवर म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना मिस कर गया कि ये प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर है इसीलिए हम लोग टंगस्टन चूज करते हैं क्योंकि टंगस्टन का जेड का वैल्यू हाई है हाई एटॉमिक नंबर लेते हैं क्योंकि हाई एटॉमिक नंबर के बदौलत हम हाइयर फ्रीक्वेंसी हाइयर एनर्जी एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है और रीजन हाई मेल्टिंग पॉइंट का है कि ऑब्वियसली जैसे इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हो रहा है तो वहां पर इट गेट्स हीटेड अप वेल तो इट शुड नॉट मेल्ट इन द प्रोसेस तो इसीलिए द मटेरियल यू चूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेज शुड हैव हाई एटोमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट चलो लेट्स गेट बैक टू इट क्या हुआ है मोस्टली रूट ओवर म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी इन दिस ए एन बी डिपेंड्स ऑन द मेटीरियल या इनडिपेंडेंट क्या होगा तो यहाँ पे बोथ ए एन बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटीरियल ए और बी सिर्फ डिपेंड करता है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे सीरीज है के सीरीज है कि एल सीरीज है के सीरीज तुम कोई भी मेटीरियल चूज कर लो के सीरीज में ए और बी के वैल्यूज वही होंगे थ्री बाई फोर आर सी और बी इक्वल टू वन के सीरीज के लिए और उसमें फाइव बाई थर्टी सिक्स आर सी और बी का वैल्यू सेवन पॉइंट फोर कोई भी मेटीरियल चूज कर लो

रीजन बींग कंटिन्यूस एक्सरेज हमने देखा था कंटिन्यूस एक्सरे मैंने बताया था कि सारे होंगे लेकिन एक एक मिन होगा होगा मिनिमम क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी है नहीं उसके पास तो मिनिमम से ज्यादा के सारे वेवल तुम्हारे मिलेंगे अलग अलग इंटेंसिटीज पे तो इट इज बी बी ऑप्शन विल हैव ऑल गेन्स लार्जर देन सर्टन मिनिमम वेव लेंथ मोनोक्रोमेटिक तो होगा ही नहीं अगर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का बात किया जाता ना तब तुम फिर भी मोनोक्रोमेटिक बोल सकते थे लेकिन यहां पर क्योंकि सिर्फ एक्सरे ट्यूब सिर्फ एक्सरे बीम बताया गया है तो तुम्हें के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा चलो अगला वाला देखते हैं हाइड्रोजन डज नॉट एक्सिबिट एक्सरेज बिकॉज एनर्जी लेवल्स टू फार अपार्ट हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स आर टू क्लोज एंड इट इज टू स्मॉल ऑब्वियसली हाइड्रोजन में एक्सरे प्रोडक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन क्योंकि तुम चीज में ही देख लो एटॉमिक नंबर वन है हाइड्रोजन का राइट right? तो अगर मैं इवन के सीरीज का हाइड्रोजन का तो एल सीरीज है ही नहीं एल शेल में कुछ है ही नहीं के सीरीज का भी अगर मैं देखूं के सीरीज के मुताबिक के म्यू इज इक्वल टू ए टू जेड माइनस बी होता है राइट ए का वैल्यू सपोज मैं के सीरीज के लिए कर लेता हूं थ्री आर सी बाई फोर जेड का वैल्यू वन और हमारे के सीरीज में क्या था बी का वैल्यू वन था फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया सो इसीलिए हाइड्रोजन में यू डू नॉट हैव हैव इट यू डू नॉट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे लिटरली सोच लो अगर इलेक्ट्रॉन को इनर शेल से निकाला तो वो बस बाहर चला गया आयनाइज ही कर गया उसमें कुछ ये आने का पॉइंट ही नहीं है वहां पर एक्सरे बनने का कोई पॉइंट ही नहीं है चलो अगले वाले पे देखते हैं कट ऑफ फेव लेंथ एन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव किलो वोल्ट इज अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब अब ये ट्वेंटी फाइव किलो वोल्ट क्या है दिस इज द एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन दिस इज दोटेंशियल डिफरेंस तुमने इलेक्ट्रॉन को एक्सिलेट किया है तो लैमडा मिनिमम राइट कट ऑफ इज लैडा मेन हमने फॉर्मूला दिखा था लैमडा मिन इज इक्वल टू ए वी नॉट सी बाई लैमडा मिन वुड द एनर्जी एंड दैट वुड बी इक्वल टू ई वी नॉट वहीं से हमारा आया रिलेशन वैल्यूज बिठाते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी फोर इज थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट डिवाइडेड बाईज सिक्स टेन टू दावर माइनस नाइन और ट्वेंटी पावर थ्री तो, तो रफली कैसे ले जा सकते हैं इसको रफली मैं फोर से काट सकता हूं अ बिट मोर देन फोर होगा क्योंकि फोर पे जाता थोड़ा ज्यादा होगा फोर इंटू थ्री 12 होगा, 12 से थोड़ा ज्यादा होगा 12 से थोड़ा ज्यादा होगा तब ऊपर पे 12 है नीचे 25 है, 0.5 के आसपास कुछ आना चाहिए somewhere around आना चाहिए, ठीक है तो या तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन ए आएगा इन दोनों में आई जस्ट नीड द टेन टू दावर यहां पे, तो ये फोर ये थ्री ये ट्वेंटी फाइव को अलग कर लो दैट विल बी 0.5, राइट और यहां पे टेन टू दी पावर क्या आ रहा है टेन टू दावर ये छोड़ो तुम्हारा टेन टू दावर फाइव लेके आएगा सो यू होगा इसका आंसर ठीक अगले वाले पे जाते हैं दिया इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज फ्रॉम अलिज ट्यूब

तब यहां पे व्हाट विल चेंज विद व्हाट विल हैपन ओवर हियर देखो लैम्डा के इंक्रीज और डिक्रीज का बात बोल रहे हैं लैम्डा के का इंक्रीज और डिक्रीज विल नॉट मैटर एट ऑल ऑन द इनकमिंग इनकमिंग एनर्जी क्योंकि लिटरली के शेल का एनर्जी फिक्स्ड है जहां पे भी जा रहा है के अल्फा पे मतलब के शेल से एल शेल पे गया तो वो जो ट्रांजिशन है वो फिक्स्ड है उस एटम के लिए वो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के साथ भेज है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा सो लामडा के इज अनचेंज लैमडा के इज अनचेंज वो चेंज होगा ही नहीं लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ फेवलेंथ है जो मिनिमम कट ऑफ फेवलेंथ वो डिपेंड करेगा ऑन द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो कट ऑफ वेव ही डिफाइन करेगा कंटिन्यूस रेज का जो इलेक्ट्रॉन डिसलरेट करते हुए जो एक्सरे छोड़ रहा है उस एक्स रेज का मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा और वहां से हमें पता है लैमडा सी अभी अभी हमने किया एट सी बाई नॉट तो अगर हम एक्सीटिंग वोल्टेज को बढ़ाते हैं लैमडा सी का वैल्यू कमेगा ठीक है लैमडा सी का वैल्यू कम जाएगा मतलब हमारा लैमडा के माइनस लैमडा सी का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि लैमडा के फिक्स है लैमडा सी का वैल्यू अगर कमता है तो लैमडा के माइनस लैमडा सी का वैल्यू बढ़ जाएगा ठीक है तो आई गेस यही थे हमारे विथ रिगार्ड्स टू एक्स रेज हमने जस्ट क्विकली रिविजन कर लिया सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लिया जो किस टाइप के थ्योरी एक्सपेक्टेड है किस टाइप के थ्योरी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है उन सबको कवर कर लिया अब ये बहुत मेजर सेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी इसका सिग्निफिकेंस है और अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को आंसर करना चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने तो बोर्ड्स में नहीं पढ़ा था इसीलिए मैंने मैं इसके बारे में जानता नहीं था यू कुड नॉट आंसर क्योंकि सिंपल सेक्शन है ये जस्ट आपको सब पता होगा तो आराम से आंसर आ जाएंगे ठीक है तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन